नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिजीत आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मास्टरमाइंड टेक में। तो दोस्तों, आज मैं ये नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। तो दोस्तों, ये आज नया वीडियो हम बनाने वाले हैं मोटरसाइकिल के सिक्योरिटी सिस्टम पर। दोस्तों, ये जो किट मिलता है मार्केट में, ये सेफ गार्ड का किट है, मोटरसाइकिल अलार्म सिस्टम भी कहते हैं इसे, या फिर सिक्योरिटी सिस्टम कहते हैं। इसके दोस्तों बहुत फ़ायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इससे दोस्तों आपकी मोटरसाइकिल या जो स्कूटर है उसमें भी आप लगा सकते हैं, ये कोई चोरी नहीं कर सकता। जो भी चोरी करने जाएगा तो उसका अलार्म बजेगा और वो जो चोर है वो भाग जाएगा, या फिर आपको उसका अलर्ट होगा कि इसका जो एक बजर बजता है अलार्म बजने लगेगा। तो दोस्तों, दूसरा एक इसका फायदा है कि इससे कोई आपकी मोटरसाइकिल में छेड़छाड़ नहीं कर सकता, या फिर आपकी गाड़ी का पेट्रोल वगैरह चोरी नहीं कर सकता। और तीसरा फायदा है दोस्तों, इससे आपको गाड़ी में चाबी लगा के चालू करने की ज़रूरत नहीं, आप रिमोटली गाड़ी को चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें क्या क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ और इसकी वायरिंग डायग्राम समझते हैं। सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये दोस्तों यूनिट है ये हमारे सिक्योरिटी सिस्टम का, वो दोस्तों मैं ये सुजुकी एसिस है मेरी, इसमें इधर फिट करने वाला हूँ। ठीक है, इधर मैं ये टू वे टेप और ये तार से वगैरह बांध के ले लूँगा, या फिर जो क्लिप आती है उससे मैं ये फिट करके लेने वाला हूँ इधर। दोस्तों, इसके जो इंडिकेटर्स के वायर है जो येलो वाले, ये देखो, ये दोस्तों आगे के इंडिकेटर्स के दो सॉकेट्स है, उसमें दोस्तों एक कॉमन वायर होते हैं, इसमें कॉमन वायर ये है देखो, ब्लैक और वाइट वाली। ठीक है, तो दोस्तों ये वायर छोड़ के जो अलग वायर होते हैं दो, उनको देना है, ये उनके साथ कनेक्ट कर देना है येलो वायर दो। और दोस्तों, जो ब्लैक वायर होती है ये निगेटिव होती है, ये हमें बॉडी को देनी है। दोस्तों, अब हमारे पास बची है एक रेड वायर, एक ऑरेंज वायर और एक ब्लू वायर। दोस्तों, रेड वायर जो है वो बैटरी को जो पॉजिटिव होता है उसमें दे देनी है। तो दोस्तों, बैटरी तो इसकी इधर बीच में है, उससे वायर लेने में कुछ मतलब नहीं है। दोस्तों, बैटरी की वायर हमें इधर ही इग्निशन स्विच में मिल जाएगी। तो देखते हैं हम अभी बैटरी की वायर कौन सी है। तो दोस्तों, ये बल्ब से हम चेक करेंगे, ये देखो ये बल्ब है, इसकी एक वायर तो मैंने बॉडी में कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों, अभी चाबी लगाई नहीं है मैंने, बंद कर दी है चाबी, ये देखो। चाबी बंद करने पर जिस वायर को करंट आएगा वो बैटरी की पॉजिटिव वायर है, ये देखो, ये रेड वाली में आ गया, ये बैटरी के पॉजिटिव। तो ऑरेंज में देखते हैं तो ऑरेंज में नहीं आएगा करंट, ये देखो, ये सिर्फ रेड में आ जाएगा, रेड में लगाने पर बल्ब जलने लगेगा। तो दोस्तों, ये जो वायर है ये मुझे रेड में दे देनी है। तो दोस्तों, यही सेम कलर कोड हो गया, रेड वाली वायर है वो रेड में जाएगी। और दोस्तों, ऑरेंज वाली जो वायर है इसकी, इसमें क्या होना चाहिए, जब भी हम चाबी ऑन करेंगे तो ही उसमें करंट आना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हम चाबी ऑन करके देखेंगे। दोस्तों, अब तो साफ ही है कि ये बैटरी के तो यही है, चाबी ऑन करने पर इसमें करंट आ जाएगा, ये देखो, ये ऑरेंज वाली वायर में। ठीक है, चाबी बंद करूँगा तो बंद हो जाएगा, ये देखो चालू बंद। ठीक है, तो दोस्तों ये सेम कलर कोड मैच हो गया है इधर, ये रेड रेड को देनी है, ऑरेंज ऑरेंज को देनी है। ये मैं देखें अभी दिखाता हूँ आपको, वो कट करके मुझे देनी पड़ेगी। दोस्तों, सब वायर्स अब लग गए हैं, ये सिर्फ ब्लू वाली वायर बचे है। ये ब्लू वाली वायर है, ये दोस्तों हमें स्टार्टर रिले या फिर सोलेनाइड स्विच होता है स्टार्टर का, उनमें हमने मोटरसाइकिल में दी थी। तो दोस्तों, ये जो स्कूटर्स है उसमें जो दोस्तों सोलेनाइड स्विच या फिर स्टार्टर रिले जो होता है वो पीछे की तरफ होता है इंजन की तरफ, तो उसमें दोस्तों ये वायर बहुत एक्सटेंड करके ले जानी पड़ती है। इससे दोस्तों एक आसान रास्ता है, ये जो स्टार्टर का स्विच होता है उसमें हमें ये वायर देनी है। तो दोस्तों, इसमें दो वायर्स है, ये कहाँ लेनी है ये फाइंड आउट करने के लिए हम इस बल्ब का यूज़ करेंगे। ये दोस्तों बल्ब की एक वायर दोस्तों हमने बॉडी को दी है, और दोस्तों ये एक एक वायर लगा के देखनी है हमें, जिधर भी हमें ब्रेक मारने पर या स्टार्टर मारने पर ये बल्ब जिस वायर में जलता है तो उस वायर में हमको ये बल्ब लगाना है। ये दोस्तों अभी ब्रेक मारने पर तो नहीं जल रहा है, अभी स्टार्टर मारने पर जलना चाहिए बल्ब, स्टार्टर मारने पर भी नहीं जल रहा है। तो दोस्तों, ये वायर नहीं है दोस्तों, दूसरी वाली वायर है, उसमें देखते हैं हम ट्राई करके। दूसरी दोस्तों लेमन येलो कलर है, ये देखो दोस्तों ब्रेक मारने पर इसमें जल रही है। तो दोस्तों, येलो वाली वायर हम
इस वायर को देने वाले हैं अभी। तो दोस्तों ये एकदम सिंपल है, बल्ब हो तो एकदम आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोस्तों वायर मैं यहाँ से ले लेता हूँ, दोस्तों इस वायर में मैं कट करके इधर लगा लेता हूँ। दोस्तों ये सब वायरिंग डायग्राम वगैरह मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से आप आपके कोई भी स्कूटर हो, एक्टिवा हो, एसएस हो, मेस्ट्रो हो, या फिर जुपिटर हो, वीगो हो, सब गाड़ियों में ये दोस्तों आप लगा सकते हैं। दोस्तों सब गाड़ियों का जो वायरिंग कोडिंग था कोडिंग है, कलर कोड है, ये अलग होता है, इसलिए ये जो बल्ब की आइडिया है ये उधर काम करेगी। ये देखो दोस्तों ये इस पर लगा लिया, मैं टेप लगा के ले लूँगा। उससे पहले दोस्तों आपको चेक करवाता हूँ मैं अभी स्टार्टर लगता है क्या। ये देखो मैंने चाबी निकाल दी, ये देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई, ये बंद हो गई। और दोस्तों इसकी पूरी सिस्टम में पूरी मैं बंद कर लेता हूँ गाड़ी, ये सिर्फ लगा के लेता हूँ और मैं आपको इसकी पूरी सिस्टम समझा देता हूँ। दोस्तों ये सिक्योरिटी सिस्टम का जो यूनिट है ये हमने इधर फिक्स किया है, और ये जो टू वे टेप है इसमें ये इससे भी चिपक गया है इधर। और गाड़ी जब भी हिलती वगैरह आए, जब भी खड्डा वगैरह आता है रास्ते में, तो ये गिर ना जाए, इसलिए दोस्तों हमने इस पर ये टेप मार दिए। और जो बज़र होता है ये हमने इधर टू वे टेप से फिक्स किया है, एकदम अच्छी तरह फिक्स हो गया है। तो दोस्तों अब मैं इस पर जो हमने निकाला है पैनल वगैरह वो सब लगा के आपको चेक करवाऊंगा कैसे हमारा रिमोट वर्क कर रहा है। दोस्तों इसका सब फिटिंग हो गया है, अभी हम रिमोट चेक करते हैं इसका, और रिमोट का फंक्शन आपको बता देता हूँ। ये देखो दोस्तों ये इसका रिमोट है, ये दोस्तों फोकस करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये इसमें चार बटन है, ये दोस्तों ये लॉक का बटन है, ये अनलॉक का, ये स्टार्टर का, और ये व्हीकल फाइंडर का है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको व्हीकल फाइंडर क्या है बता देता हूँ। ये दोस्तों हम बटन जब भी दबाएंगे तो इसमें दोस्तों बज़र बजना चालू होगा और गाड़ी के चारों इंडिकेटर फ्लैश होंगे। तो दोस्तों इसका क्या काम है, जब भी हम गाड़ी अंधेरे में लगाते हैं या फिर किधर पार्किंग में वगैरह लगा देते हैं और हमें गाड़ी हमारी ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है, किधर लगाई है ये भूल जाते हैं, तो दोस्तों ये बटन दबाने पर हमें आवाज़ से और लाइट से हमें हमारी गाड़ी ढूंढ सकते हैं। तो इसका फंक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो दो चारों इंडिकेटर फ्लैश हो गए, ये बंद करने के लिए ये अनलॉक का बटन दबाना होगा। ये दोस्तों पीछे के भी इंडिकेटर फ्लैश करेंगे। ये दोस्तों अभी डे टाइम है इसलिए अच्छे नहीं दिख रहे, दोस्तों रात में बहुत अच्छा दिखता है ये। तो दोस्तों ये जो बटन है इसे गाड़ी हमें की के बिना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमें दो बार दबाना, एक बार दबाता है तो कुछ नहीं होता इससे, दोस्तों दो बार हम दबाएंगे गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो ये अभी गाड़ी हमारी स्टार्ट है। दोस्तों बंद करने के लिए हमें ये अनलॉक का बटन दबाना पड़ता है, बंद हो गई गाड़ी। और दोस्तों ये लॉक की सिस्टम मैं बता देता हूँ, जब भी आप गाड़ी पार्क कर देते हैं तो दोस्तों ये लॉक का बटन आपने अगर दबाया तो आपकी गाड़ी कोई भी छेड़ने की कोशिश करेगा। ये देखो ये छेड़ने की वगैरह कोशिश करेगा तो दोस्तों इसमें बज़र बजना चालू होगा। अगर आपके गाड़ी कोई चढ़ता है या फिर गाड़ी दोस्तों डुप्लीकेट की लगा के कोई ले जाने की कोशिश करता है तो वो ले नहीं जा सकेगा, चोरी नहीं कर सकेगा, क्योंकि जब भी वो ट्राई करेगा गाड़ी के पास आएगा, गाड़ी थोड़ी हिलाएगा वगैरह या फिर गाड़ी को टच करेगा तो ये बज़र तुरंत बजना चालू हो जाएगा और चारों इंडिकेटर भी फ्लैश होना चालू हो जाएगा। इससे दोस्तों आप भी अलर्ट हो गए अगर आपके पास कोई पार्किंग है या फिर लोग उधर अट्रैक्ट हो गए जिधर आवाज़ आता है, इससे जो चोर है वो डर जाएगा और वो भाग जाएगा। तो दोस्तों बहुत कमाल की चीज़ है ये। ये दोस्तों एक्चुअल पुरानी टेक्नोलॉजी है, बहुत साल पहले आ गया है। ये दोस्तों कैसे लगाते हैं ये आपको दिखाना था इसलिए मैंने ये आपको लगा के दिखा दिया। दोस्तों आप भी आपकी गाड़ी भी कोई छेड़ता है या फिर गाड़ी का नुकसान करता है, पेट्रोल चोरी करता है, तो आप भी ये सिस्टम लगा सकते हैं और ये सिस्टम लगाने के बाद गाड़ी आपके कोई चोरी नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल है मास्टरमाइंड टेक, इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए व्यूवर्स हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊँगा तो आपके तरफ वो पहुँचेगा। और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, इससे मैं जब भी नया वीडियो डालूँगा
तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप वो वीडियो देख पाओगे। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।